तो आखिर क्या होगा उन बच्चों का जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया पर अपना जो पेमेंट है वो नहीं कर पाए, और ना पेमेंट होने की वजह से जो उनका फाइनल सबमिशन था फॉर्म का वो भी नहीं कंप्लीट हो पाया। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, पर उससे पहले सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य नहीं आपका धर्म बन जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी ज्ञान लेने से पहले ये जरूर सोच लें कि मुफ्त आजकल कुछ नहीं होता। तो आइए बात करते हैं कहीं ना कहीं कैसे भी निकल जाता है। तो बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पेट में, तो यहाँ पे हजारों बच्चों की बात आ चुकी है जहाँ पर अब कमीशन का देखना है कि कमीशन सुबह आज 1 तारीख हो चुकी है, रात के 1 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दोपहर 12 बजे तक और लास्ट आपका 2:30 से 3 बजे तक अगर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्या है 1 साल वेट करने का चांसेस बढ़ जाता है। परंतु जहाँ तक मुझे लगता है मेरा जो एक्सपीरियंस है, जहाँ तक अभी मैंने कुछ अपने लोगों से बात किया, तो यहाँ पे 100% लग रहा है कि आयोग आपके लिए जो पेमेंट का लास्ट डेट है, ना कि रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट का लास्ट डेट वो शायद वो बढ़ाने की कोशिश या उस पर विचार करे, सिर्फ पेमेंट पे। मैं ये नहीं कह रहा रजिस्ट्रेशन पे, और ये कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बस एक अनुमानित है। इससे पहले भी आपको अनुमानित है मैंने न्यूज़ दी थी जहाँ पे किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया था कि आपका लास्ट डेट बढ़ने वाला है, पर ऑफिशियल जो शाम को 7:30 बजे न्यूज़ आई थी उससे पहले मैंने 3 घंटे पहले मैंने बता दिया था कि आपका होगा। यहाँ पर भी मैंने देखा है कि पेमेंट के लिए हजारों बच्चे पागल हो चुके हैं। क्यों पागल हो चुके हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो फाइनल सबमिशन नहीं करते उससे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करते तो उनको पूरा 1 साल का वेट करना पड़ सकता है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हजारों बच्चों की बात है, एक दो बच्चे की बात नहीं है, हजारों बच्चों की बात है। इसलिए एक पेमेंट अपने अपने महत्व रखता है, और सिर्फ पेमेंट के लिए हो सके तो आज 1 तारीख है, 1 अगस्त और कल 2 अगस्त के लिए शायद आपका लास्ट डेट सिर्फ पेमेंट के लिए बढ़ाया जा सके, क्योंकि 3 अगस्त को आपका क्या है करेक्शन डेट है। तो ये सिर्फ एक गोल्डन चांस है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जय श्री राम है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यही आपके पास न्यूज़ है, अभी तक ऑफिशियल इसका कोई भी आपके पास न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ही आपको कोई अपडेट मिलती है या मुझे कोई अपडेट मिलती है मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई न्यूज़ मिलती रहे। जय हिंद।